The question over here is which of the following compounds will give racemic mixture, okay, on nucleophilic substitution by hydroxide ion. So बच्चा पार्टी जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि कौन सा कंपाउंड racemic mixture देगा on न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन फाइन तो racemic मिक्सचर भाई वही देगा जो हमारा कायरल कार्बन एटम कंटेन करेगा जो कंपाउंड कायरल कार्बन एटम कंटेन करेगा दैट मीन्स यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ सिंस वी आर हैविंग द एलकाइल हेलाइड ओवर है सो यहाँ पर हमें यह देखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर हेलाइड डायरेक्टली अटैच्ड है कायरल कार्बन आइटम से एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म द रेसमिक मिक्सचर द स्ट्रक्चर वी वॉन्ट टू सी वॉट द स्ट्रक्चर वी वॉन्ट टू सी द स्ट्रक्चर विच हैज़ विच हैज़ हेलोजन ऐटम विच हैज़ हेलोजन ऐटम अटैच्ड विच हैज़ हेलोजन ऐटम अटैच्ड टू कायरल कार्बन अटैच्ड टू कायरल कार्बन एंड इट विल फॉर्म एंड इट विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर एंड इट विस फॉर्म इट विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर क्यों क्योंकि यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रॉक्साइड आयन स और नो तो हाइड्रोक्साइड आयन एक तरह से क्या होगा इट इज़ गोइंग टू सब्सटीट्यूट और हलाइड आयन वहाँ से निकलेगा और रेसमिक मिक्सचर कहाँ बनता है ये तो आपको पता ही है एस एन वन रिएक्शन में बनता है येस पीपल और नो तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगी कि अगर मेरा ये वाला ब्रोमाइड आयन निकल गया ये कार्बोकेट बना तो ये मेरा टू डिग्री कार्बोकेट है ठीक है और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो यहाँ से मेरा जो एक कार्बोकटाइन बनेगा तो बेटा ये तो वन डिग्री कार्बोकटाइन है एंड एस एन वन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता ही है एस एन वन में इट इज़ थ्री डिग्री कार्बोकटाइन फॉलोड बाई टू डिग्री कार्बोकटायन देन वन डिग्री कार्बोकटाइन रिएक्टिविटी फॉलोज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से कायरल कार्बन आइटम कहाँ पर है ये जो मेरा कार्बन आइटम है ये कायरल कार्बन आइटम है क्योंकि चारों डिफरेंट स्पीशीज़ अटैच है इसकी टेक्ट्रा बैलेंसी इज सेटिसफाइड बाई फोर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑप्शन बी में यहाँ पर देखेंगे तो वॉट वी आर एक्चुअली सींग ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम है आप कहेंगे मैम हमारे हिसाब से आंसर तो होना चाहिए ए और सी दैट मीन्स फोर्थ लेकिन आप यहाँ गलत कर रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन आइटम है ये कायरल कार्बन आइटम है लेकिन बेटा सब्सटिट्यूशन तो हमारा न्यूक्लोफिल सब्सटिट्यूशन जो होगा वो तो यहाँ पर होगा ना जिस पर्टिकुलर कार्बन आइटम से हेलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और जो कार्बो यहाँ बनेगा वो वन डिग्री कार्बो है और ये टू डिग्री कार्बो है तो मैं तो ऑप्शन नंबर वन को मार्क करूंगी एंड दैट इज द राइट आंसर टू द का टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन